गीजर में जो दो पाइप होते हैं, एक इनलेट और एक आउटलेट पाइप होता है, और इनलेट पाइप में जो सेफ्टी वाल्व लगा हुआ होता है, वह सेफ्टी वाल्व क्यों लगा हुआ होता है और सेफ्टी वाल्व लगाने से क्या फायदे होते हैं? तो यह सेफ्टी वाल्व टंकी से आने वाले पानी के प्रेशर को मेंटेन करता है, जिसमें कि यदि टंकी से जो पानी आता है उसमें अधिक प्रेशर होता है तो उस प्रेशर को कम करके गीजर में भेजता है पानी को। और इस सेफ्टी वाल्व का दूसरा बेनिफिट यह होता है कि यह गीजर में जो भरा हुआ पानी होता है उसे रिटर्न नहीं आने देता है, यानी कि रिटर्न पानी को रोक के रखता है, जिसमें कि एक वाल्व सिस्टम टाइप का सिस्टम होता है, जिससे कि इसमें एक स्प्रिंग लगी हुई होती है जो कि टंकी के पानी को सेफ्टी वाल्व से होते हुए गीजर में जाने देता है, और जो गीजर में पानी भरा हुआ होता है उसे इनलेट पाइप से रिटर्न नहीं आने देता है, सेफ्टी वाल्व अंदर से रोक के रखता है, जिससे कि यदि गीजर भरा हुआ है और टंकी खाली हो जाती है तो उस समय इनलेट पाइप से रिटर्न पानी नहीं जाता है, जिससे कि गीजर में पानी भरा हुआ ही रहता है।